हेलो एंड वेलकम बैक टू आई स्पाई। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि विजुअल अक्यूटी कैसे मेजर करते हैं डिफरेंट चार्ट से, एंड फिर उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद टाइप्स ऑफ विजुअल अक्यूटी मेजरमेंट, कि विजुअल अक्यूटी को हम कितने टाइप से मेजर करते हैं जब कोई पेशेंट आईओपीडी में आता है। तो इसको हम बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, बेस्ड ऑन ऑप्टिकल करेक्शन एंड सेकेंड इज बेस्ड ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ आईज। सो दोनों को देखते हैं। ऑप्टिकल करेक्शन का क्या मतलब है? ऑप्टिकल करेक्शन का मतलब है अगर पेशेंट को ऑलरेडी कोई रिफ्रैक्टिव एरर है और उसके लिए वो कोई स्पेक्स, कॉन्टैक्ट लेंस, किसी भी टाइप का करेक्शन पहन रहा है तो हम उसको बोलते हैं ऑप्टिकल करेक्शन। सो फर्स्ट ऑप्टिकल करेक्शन को भी हम फर्दर दो कैटेगरीज में या टाइप में डिवाइड करते हैं, वो है अनएडेड विजुअल अक्यूटी एंड एडेड विजुअल अक्यूटी। सो अनएडेड विजुअल अक्यूटी कब बोलते हैं? जब क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी रिफ्रैक्टिव एरर पहन रहा है या नहीं पहन रहा है, सो अगर पेशेंट ने विजुअल एक्यूटी टेस्टिंग के टाइम पे वो ऑप्टिकल करेक्शन नहीं लगाया हुआ है तो हम उसे बोलते हैं अनएडेड विजुअल एक्यूटी या फिर अनकरेक्टेड विजुअल एक्यूटी। और अगर जब हम विजुअल एक्यूटी टेस्ट कर रहे हैं पेशेंट का और उसने अपना करेक्शन पहना हुआ है तो हम उसे बोलते हैं एडेड विजुअल एक्यूटी या फिर करेक्टेड विजुअल एक्यूटी। अब जब हम एडेड विजुअल एक्यूटी या करेक्टेड विजुअल एक्यूटी मेजर करते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम पेशेंट के डिस्टेंस विजुअल एक्यूटी मेजर कर रहे हैं तो पेशेंट ने डिस्टेंस के ग्लासेस लगाए हों, जब हम नियर के लिए विजुअल एक्यूटी मेजर कर रहे हैं तो पेशेंट ने नियर ग्लासेस लगाए हों। दोनों में स्विच नहीं होना चाहिए कि आप नियर का विजन चेक कर रहे हैं, पेशेंट ने डिस्टेंस ग्लासेस पहने हैं, और आप जब डिस्टेंस का चेक कर रहे हैं तो पेशेंट ने नियर ग्लासेस पहने हुए हैं। बस इतना यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ आई के बेसिस पे। सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ आईज, जैसे हमें पता ही चल रहा है कि कितने आईज इन्वॉल्व हैं, उसके बेसिस पे दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, मोनोकुलर विजुअल एक्यूटी एंड बाइनोकुलर विजुअल एक्यूटी। सो मोनो मींस वन एंड ऑक्युलर मींस आई। सो अगर जब हम विजुअल एक्यूटी पेशेंट का रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम पे अगर पेशेंट का खाली एक आई, ओनली वन आई इन्वॉल्व है तो हम बोलते हैं मोनोकुलर विजुअल एक्यूटी। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो एक आई हमने पेशेंट को ऑक्लूड किया हुआ है, कवर किया हुआ है, पेशेंट सिर्फ एक आई यूज कर रहा है उस टाइम पे तो हम बोलते हैं मोनोकुलर। जब पेशेंट अपनी दोनों आई, बाई मीन्स टू एंड ऑक्युलर मीन्स आई, सो जब दोनों आई को यूज कर रहा है, दोनों आई टेस्टिंग के टाइम पे इन्वॉल्व है तो हम उसे बोलते हैं बाइनोकुलर विजुअल एक्यूटी। सो अभी है थिंग्स टू रिमेम्बर वाइल मेजरिंग विजुअल एक्यूटी। सो बेसिकली ये वो बातें हैं जो हमें विजुअल एक्यूटी मेजर करने से पहले ध्यान रखनी है। सो वो क्या है? वो है ये दो, चार्ट इल्यूमिनेशन एंड टेस्टिंग डिस्टेंस। सो पहले देखते हैं चार्ट इल्यूमिनेशन। चार्ट इल्यूमिनेशन की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम कभी भी विजुअल एक्यूटी डिम लाइट में या अंधेरे में नहीं रिकॉर्ड करते हैं, हमें नॉर्मल लाइट में देखना होता है कि पेशेंट के नॉर्मल विजन कितना है, पेशेंट कितना देख पा रहा है। तो उसके लिए रिकमेंडेड इल्यूमिनेशन कितना होता है कि चार्ट में एटलीस्ट इतना इल्यूमिनेशन तो होना ही चाहिए। सो वो होता है 85 to 300 कैंडेला पर मीटर स्क्वायर, की जो भी चार्ट आप विजुअल एक्यूटी मेजरमेंट के लिए यूज कर रहे हो उसके अंदर 85 to 300 कैंडेला पर मीटर स्क्वायर के बीच में इल्यूमिनेशन होना ही चाहिए। और जो मेजरली या जनरली यूज होता है चार्ट के अंदर वो होता है 160 कैंडेला पर मीटर स्क्वायर। कॉमनली जो चार्ट अवेलेबल है उनमें इतना इल्यूमिनेशन रहता है। अब खाली चार्ट के इल्यूमिनेशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि इफ चार्ट चार्ट का इल्यूमिनेशन इतना होना चाहिए तो रूम इल्यूमिनेशन जिसमें आप चार्ट लगा रहे हो उसका इल्यूमिनेशन कितना होना चाहिए। तो रूम इल्यूमिनेशन के लिए हमेशा हमें देखना है कि हमारा चार्ट का इल्यूमिनेशन कितना है। जो हमारा चार्ट का इल्यूमिनेशन होगा, रूम का इल्यूमिनेशन हमेशा उसके 1/5 से कम नहीं होना चाहिए। सो एग्जाम्पल लेते हैं यही वाला। अगर चार्ट का इल्यूमिनेशन 160 है तो इसका 1/5 होगा आपका 32 कैंडेला पर मीटर स्क्वायर। तो रूम का इल्यूमिनेशन 32 कैंडेला पर मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है टेस्टिंग डिस्टेंस। टेस्टिंग डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट विजुअल एक्यूटी चार्ट्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। सो जो चार्ट जितने डिस्टेंस के लिए कैलिब्रेटेड है हमें करेक्ट डिस्टेंस यूज करना चाहिए।
स्नेलेंस चार्ट एंड बेलेलोवी चार्ट जो है वो कैलिब्रेटेड है 6 मीटर और 20 फीट डिस्टेंस के लिए. सो अगर हम ये दोनों चार्ट यूज कर रहे हैं तो पेशेंट और चार्ट के बीच का डिस्टेंस हमें 6 मीटर या फिर 20 फीट मेंटेन कर रखना है. और जो हमारा चार्ट होता है ETDRS चार्ट वो कैलिब्रेटेड होता है इससे शॉर्टर डिस्टेंस के लिए 4 मीटर 4 मीटर डिस्टेंस के लिए. सो अगर आप ETDRS यूज कर रहे हो तो पेशेंट और चार्ट के बीच का डिस्टेंस रहेगा 4 मीटर. सो अभी एक क्वेश्चन काफी जगह पूछा जाता है कि 6 मीटर ही क्यों यूज करते हैं विजुअल एक्यूटी टेस्टिंग के लिए डिस्टेंस. सो 6 मीटर और 20 फीट टेस्टिंग डिस्टेंस इज कंसिडर्ड एज ऑप्टिकल इन्फिनिटी. ऑप्टिकल इन्फिनिटी बोलने का क्या मतलब है? ऑप्टिकल इन्फिनिटी हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप 6 मीटर डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो उस टाइम पे आपका अकोमोडेशन सीम्स टू बी रिलैक्स कि अकोमोडेशन लगभग रिलैक्स रहता है. आपका जो विजन है उस पे अकोमोडेशन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता. सो आपकी वो एग्जैक्ट और एक्यूरेट एक्यूटी उस टाइम पे हमें मिलती है. अगर हम 6 मीटर से कम डिस्टेंस पे रखते हैं तो आपका जो अकोमोडेशन होता है वो एक्टिव हो जाता है और जो विजुअल एक्यूटी आती है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है अकोमोडेशन से. और अगर 6 मीटर से ज़्यादा रखते हैं डिस्टेंस तो वो लीड करता है पुअर लेजिबिलिटी में कि नॉर्मल विजन वाला पर्सन भी मे बी ना रीड कर पाए. सो 6 मीटर डिस्टेंस इज कंसिडर्ड एज ऑप्टिकल इन्फिनिटी मेजरिंग डिस्टेंस विजुअल एक्यूटी. सो स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस विजुअल एक्यूटी मेजरमेंट के साथ. विजुअल एक्यूटी मेजरमेंट से पहले आपको क्या याद रखना है कि जो आपका चार्ट है विजुअल एक्यूटी चार्ट है वो प्रॉपरली गुड लाइट के अंदर हो, क्लीन चार्ट हो. क्योंकि अगर चार्ट का इल्यूमिनेशन प्रॉपर है, रूम इल्यूमिनेशन प्रॉपर है बट चार्ट क्लीन नहीं है, चार्ट के ऊपर डस्ट है, तो वो भी जो एक्यूरेसी होगी विजुअल एक्यूटी की उसमें इंटरफेयर करेगा. जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो एक्यूरेट नहीं होगा, करेक्ट नहीं होगा. सेकेंड कि जो चार्ट है वो पेशेंट की जो चेयर है उससे करेक्ट डिस्टेंस पर हो. जो चार्ट आप यूज कर रहे हो वो जितने डिस्टेंस के लिए डिजाइन किया गया है चाहे वो 6 मीटर्स हो, 4 मीटर्स हो या फिर 3 मीटर्स हो. उसके बाद नेक्स्ट जो फर्स्ट स्टेप है, अब हमारा फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, पेशेंट को कंफर्टेबली बैठाना है. सेकेंड स्टेप हमने क्या करना है, पेशेंट की आई को कवर करना है. क्योंकि हम पहले मोनोकुलर विजुअल एक्यूटी मेजर करते हैं उसके बाद बायनोकुलर करते हैं, तो हमने पेशेंट की एक आई कवर करनी है या पेशेंट को बोलना है कि कवर करना है. सो अब आई को कवर करने से रिलेटेड जो जो पॉइंट्स याद ध्यान रखने हैं वो है, पहला पॉइंट है आपका कि जो पेशेंट है वो अपनी करेक्ट आई को कवर करे. जैसे कि अगर आप राइट आई का विजुअल एक्यूटी मेजर कर रहे हो तो पेशेंट लेफ्ट आई कवर करे, और अगर आप लेफ्ट आई का मेजर कर रहे हो तो उसने राइट आई कवर किया हो. नहीं तो डॉक्यूमेंटेशन में कभी कभी गलत हो जाता है, विजुअल एक्यूटी लेफ्ट का राइट में लिख देते हैं एंड राइट का लेफ्ट में. सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि जो आई है वो प्रॉपरली कवर किया हो. जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि जब आप पेशेंट को आई को कवर करने के लिए कई बार बोलते हो तो पेशेंट ऐसे फिंगर्स से करता है और उसके बीच में जो गैप आ रहा है वो जो एक्यूरेसी है विजुअल एक्यूटी की उसमें इंटरफेयर करेगा. जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो करेक्ट और एक्यूरेट नहीं होगा क्योंकि पेशेंट इस आई से भी देख रहा है, तो वो प्रॉपरली एक्यूरेट रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा. सो हमने पेशेंट को हमेशा बोलना है कि जो हाथ की पाम है, हथेली है, उसे यूज करना है विजुअल एक्यूटी के आई को कवर करने के लिए. उसके बाद थर्ड पॉइंट कि जब पेशेंट कवर कर रहा है आई को तो आपने बोलना है पेशेंट को कि जोर से नहीं प्रेस करना है आई को. समटाइम्स पेशेंट को कवर करने के लिए बोलते हैं वो आई को दबा देते हैं, तो वो नहीं करना है. उन्होंने आपने बोलना है कि ऊपर से एक हॉलो बना के आई को फिर कवर करना है. नेक्स्ट पॉइंट कि आपने बेस्ट है कि पेशेंट को बोलना ही नहीं है, ऑक्लूडर यूज करना है आई को कवर करने के लिए, क्योंकि इसमें ना तो आपका जो फिंगर्स के बीच में गैप आ रहा था वो आएगा ना ही आई प्रेस होगी, तो दोनों ही जो फॉल्ट आ रहे थे हाथ से कवर करने में आई में वो इससे नहीं आएंगे और जो एक्यूरेसी होगी विजुअल एक्यूटी मेजरमेंट की वो बहुत एक्यूरेट होगी. लास्ट पॉइंट कि आपने पेशेंट को बोलना है बोथ आईज ओपन, कि चाहे से आपने बाहर से आई कवर करनी है कि हमने एक ही आई का रिकॉर्ड करना है विजन, बट अंदर कवर के ऑक्लूडर के अंदर पेशेंट ने अपनी दोनों आई ओपन रखने हैं.
सो फर्स्ट स्टेप हमने पेशेंट को कंफर्टेबली बिठा दिया, सेकंड हमने उसकी आई कवर करा दी, थर्ड स्टेप हमने पेशेंट को बोलना है कि जो चार्ट पे सबसे बड़ा लेटर है उसको रीड करना है, एंड फर्दर जो लाइंस पे लेटर्स हैं नेक्स्ट लाइंस में उन्हें रीड करते जाना है जब तक पेशेंट को दिखाई दे रहा है और पेशेंट कंफर्टेबली रीड करता जा रहा है। वंस जब पेशेंट हमें बोल देता है कि अब उसको नहीं दिखाई दे रहा, कि अब वो आगे नहीं पढ़ सकता, तो आपने नहीं रुकना है, आपने उसी टाइम नोट नहीं कर लेना है, आपने पेशेंट को एनकरेज करना है कि आप आगे पढ़ो, कोशिश करो, दिखाई देगा। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, कोई कुछ पेशेंट्स होते हैं जो इजीली गिव अप कर देते हैं, वो कोशिश नहीं करते आगे और पढ़ने की। तो आपने एक बार तो हर पेशेंट को बोलना है, जब पेशेंट बोल देता है कि अब नहीं आगे दिखाई दे रहा, तो आपने एक बार तो हर पेशेंट को बोलना है कि आप कोशिश करो, दिखाई देगा। उसके बाद आपने जब पेशेंट रुक जाता है, जहाँ पे भी वो रुक रहा है, उस लाइन के साथ में जो भी नोटेशन है उसको आपको नोट करना है विद ऑल द डिटेल्स। कैसे नोट करते हैं? विद ऑल द डिटेल्स, राइट आई, लेफ्ट आई, एडेड है या अनएडेड है, और विद एवरी अप्रोप्रिएट नोटेशन जो भी यूज करते हैं। सो जो विजुअल एक्यूटी है उसको एब्रीविएट करते हैं विद कैपिटल लेटर्स वी एंड ए, तो आपने वैसे लिखना है। उसके बाद अगर आप विदाउट करेक्शन कर रहे हो अनएडेड, तो उसे नोट करते हैं एस बार के साथ, और विद करेक्शन होता है सी बार। सो फिर हम आगे नोट करते हैं कि कौन सी आई के विजुअल एक्यूटी आपने ली है। सो ओडी लिखते हैं फॉर राइट आई, या फिर कैपिटल लेटर्स में आर ई। नेक्स्ट ओ एस फॉर लेफ्ट आई, या फिर सिंपली एल ई लेफ्ट आई के लिए। नेक्स्ट जब आप बायनोकुलर विजुअल एक्यूटी कर रहे हो, सो बोथ आई के लिए या तो सिंपल इंग्लिश लेटर्स बी ई या फिर ओ यू। सो जब पेशेंट कंप्लीट एक लाइन को पूरा रीड कर लेता है, सो एक भी लेटर उसने नहीं छोड़ा, हम फर्दर स्लाइड्स में देखेंगे कि हाफ छोड़ा या ज्यादा रीड किया तो कैसे करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि अगर पेशेंट पूरी लाइन रीड कर लेता है तो उसे कैसे नोट करते हैं। सो ये हमने नोट किया पहले एस बार। एस बार हमें क्या बता रहा है? विदआउट करेक्शन, अनकरेक्टेड और अनएडेड विजुअल एक्यूटी। सो उसने उसे हम कैसे नोट करना है? हमने ओडी, ओडी का मतलब है राइट आई, तो राइट आई की विजुअल एक्यूटी 666, कि पेशेंट ने पूरा 66 वाली लाइन को फुल रीड किया है, एक भी लेटर को बिना छोड़े। उसके बाद ओ एस की 69 का मतलब कि 69 वाली लाइन पेशेंट ने पूरी रीड की है, कोई भी लेटर को स्किप किए। फिर उसके बाद ओ यू की, अब हमने दोनों आई, बोथ आई ओपन, बायनोकुलर विजुअल एक्यूटी नोट किया, तो वो आया हमारा 67.5। या फिर नॉर्मल, जैसे मैंने बताया कि आप नॉर्मली आर ई, एल ई और बी ई भी यूज करके लिख सकते हो, तो ये दोनों करेक्ट हैं, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। उसके बाद सी बार, सी बार हमें क्या डिनोट कर रहा है? विद करेक्शन, कि पेशेंट ने इस टाइम पे अपना करेक्शन पहना हुआ है, एडेड विजुअल एक्यूटी या फिर करेक्टेड विजुअल एक्यूटी। सो सेम हमें वही करना है ओडी के लिए, ओ एस, ओ यू, या फिर राइट आई, लेफ्ट आई और बोथ आई, सेम हमने ऐसे ही नोट करना है। अनकरेक्टेड विजुअल एक्यूटी पहले, फिर करेक्टेड विजुअल एक्यूटी, राइट आई के लिए, लेफ्ट आई के लिए एंड फिर बोथ आई। तो आपने ऐसे फुल डिटेल में हर पेशेंट के लिए विजुअल एक्यूटी ऑन एवरी विजिट, जब भी पेशेंट आता है हर बार सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। ये नहीं कि आपने लास्ट टाइम ये कर लिया था तो अब नहीं करना, एवरी विजिट हर टाइम करना है। सो अभी नेक्स्ट है, व्हाट इफ द पेशेंट करेक्टली रीड्स मोर देन हाफ द नंबर ऑफ लेटर्स ऑन अ लाइन। सो हमने जो फर्स्ट एग्जाम्पल देखा, वो हमने देखा कि अगर पेशेंट जो एक लाइन है वो पूरी रीड कर लेता है तो कैसे नोट करेंगे। बट अभी हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं वो है कि अगर पेशेंट एक लाइन में आधे से ज्यादा लेटर्स को करेक्ट पढ़ता है और थोड़े से लेटर्स को गलत पढ़ता है या फिर नहीं पढ़ता है, तो हम उस टाइम पे विजुअल एक्यूटी को कैसे मेजर करेंगे। सो इसको एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल ये वाली लाइन हम लेते हैं, पेशेंट ने इस लाइन में फॉर एग्जाम्पल तीन लेटर्स को सही पढ़ा है और दो गलत पढ़े या फिर छोड़ दिए, पढ़े ही नहीं है। सो आप तब कैसे नोट करोगे? तो हम जो इस लाइन के लिए पर्टिकुलर नोटेशन है उसमें से ये दो लेटर्स को माइनस कर देंगे कि पेशेंट ने ये दो लेटर्स मिस किए हैं।
सो फॉर एग्जाम्पल इस ये 6 9 वाली लाइन है हमारी चार्ट के ऊपर, सो हम ऐसे मेंशन करेंगे 6 9 -2 के लिए जो पेशेंट है हमारा उसने दो लेटर मिस आउट किए हैं, या फिर -2/5 करके भी आप मेंशन कर सकते हो। ये ज्यादा एक्यूरेट रहेगा कि उस लाइन में 5 लेटर्स थे और उसमें से पेशेंट ने दो मिस आउट किए हैं, सो आप कैसे भी करके मेंशन कर सकते हो। सो अभी नेक्स्ट एग्जांपल एक और इसी के साथ कि अगर पेशेंट आधे से कम लेटर्स को सही पढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट ने इसी लाइन में हम देखते हैं कि सिर्फ दो लेटर्स को करेक्ट रीड किया है बाकी 3 गलत पढ़े हैं, तब आप कैसे नोट करोगे? तब हमें क्या करना होता है कि हमने ये लाइन हमने देखा कि 6 9 वाली है, तो इसके ऊपर वाली क्या होगी 6 12, तो उस टाइम पे हमने क्या करना है 6 12 मेंशन करना है और नेक्स्ट लाइन में कितने लेटर्स करेक्ट पढ़े उसको प्लस करके लिख देना है। सो 6 12 + 2, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में पेशेंट ने सिर्फ दो लेटर्स करेक्ट पढ़े हैं, और मोर एक्यूरेसी +2/5 कि नेक्स्ट लाइन में 5 लेटर्स थे जिसमें से पेशेंट ने 2 करेक्ट रीड किए हैं। सो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या रहेगा। सो अभी हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वो है व्हाट इफ अ पर्सन कैन नॉट सी इवन द लार्जेस्ट कैरेक्टर ऑन द विजुअल एक्यूटी चार्ट। तब क्या करना है हमने, जब पेशेंट शुरुआत में ही बोल दे कि उसको जो सबसे बड़ा वाला लेटर है चार्ट पे वो भी नहीं दिखाई दे रहा, तब हमने क्या करना है, तब हमने जो पेशेंट और चार्ट के बीच का डिस्टेंस है वो कम करना है। हमने क्या बोलना है पेशेंट को कि वो एक ले, और वो कैसे कम करना है हमने, वो 1 1 मीटर करके कम करना है। ये नहीं कि आप 6 मीटर से सीधा 3 मीटर पे पेशेंट को लेके आओगे, तो वो आपने 1 1 मीटर करके कम करना है। पहले आप पेशेंट को बोलोगे 5 मीटर पे आने के लिए, लेकिन पेशेंट बोल रहा है कि स्टिल कांट रीड, कि अभी अभी भी उसको जो सबसे बड़ा वाला लेटर है वो नहीं दिखाई दे रहा, फिर 1 मीटर और आगे लेकर आएंगे, फिर लेकिन पेशेंट क्या बोल रहा है कि अभी भी उसको नहीं दिखाई दे रहा, फिर हम 1 और मीटर आगे लेके आएंगे, अभी पेशेंट हमारा क्या बोल रहा है कि नाउ आई कैन सी द लार्जेस्ट लेटर। 3 मीटर डिस्टेंस पे पेशेंट को अब लार्जेस्ट लेटर दिखाई दे रहा है। अब हम इसे नोट कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पेशेंट का हमें अक्यूटी तो मिल गई कि उसको अब दिखाई दे रहा है लार्जेस्ट लेटर। सो हमने जब फर्स्ट पार्ट आप देखोगे विजुअल अक्यूटी का, तो उसमें हमने चार्ट का बताया है कि जो नोटेशंस हैं वो क्या, जो फ्रैक्शन है उसमें जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर है वो क्या डिनोट करता है। सो अगर हम लिखते हैं इसको 6/60, तो जो उसमें हमारा न्यूमरेटर है 6, वो चार्ट से लेके पेशेंट तक का डिस्टेंस को डिनोट करता है। सो लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, डिस्टेंस को ही चेंज कर दिया पेशेंट और चार्ट के बीच में, तो अब इस कंडीशन में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे एज 3/60। 60 लेटर साइज सेम है, जो न्यूमरेटर था जो डिस्टेंस को डिनोट कर रहा था वो हमने चेंज कर देना है, हमने उसको 3 कर देना है 6 की जगह। अगर पेशेंट इसे 4 मीटर पे पढ़ लेता तो हम यहाँ पे 4 रखते, या फिर और आगे जाता 2 पे तो हम इसे 2 रखते। ठीक है, ये क्लियर रखना है कि हमने यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो डिस्टेंस बताता है चार्ट और पेशेंट के बीच का, तो हमें उसे चेंज करना है। और नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर पेशेंट 1 मीटर डिस्टेंस पे आके चार्ट से क्लोज होके भी सबसे बड़ा वाला लेटर नहीं पढ़ पा रहा है तो क्या करना है। अभी हमने नेक्स्ट तो क्या करना है, एग्जामिनर ने पेशेंट के पास आके 3 मीटर डिस्टेंस पे आके फिंगर्स काउंट कराने हैं, 1 2 3 एंड 5 फिंगर्स काउंट कराने हैं। एंड पेशेंट अगर तब बोलता है कि आई स्टिल कांट सी द फिंगर्स, कि पेशेंट को अभी फिंगर्स भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो पेशेंट एग्जामिनर ने क्या करना है कि अपने और पेशेंट के बीच का डिस्टेंस कम करना है। अभी पेशेंट के और एग्जामिनर के बीच में कितना डिस्टेंस है 3 मीटर्स का, फिर एग्जामिनर ने आना है 4 मीटर पे, 2 मीटर का डिस्टेंस रह जाएगा, फिर और आना है अगर पेशेंट नहीं रीड कर पाता है, फिर 5 मीटर पे आ जाना है, मतलब 1 मीटर का डिस्टेंस रह जाएगा बस। तब भी पेशेंट अगर नहीं रीड कर पाता है तो बिल्कुल क्लोज टू फेस जाके पेशेंट के बिल्कुल फेस के आगे फिंगर्स पेशेंट को दिखाने हैं, और तब पूछना है कि पेशेंट को दिखाई दे रहा है क्या, जो पेशेंट है वो फिंगर्स है जो एग्जामिनर दिखा रहा है उन्हें काउंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर पेशेंट किसी भी डिस्टेंस पे वो काउंट कर लेता है तो
तो हमने उसे नोट करना है एज अ काउंटिंग फिंगर, और जितने डिस्टेंस पे वो पेशेंट ने रिस्पॉन्स किया. तो कैसे रिकॉर्ड करना है? ऐसे करना है. विजुअल एक्यूटी एडेड या अनएडेड, पेशेंट ने अपना स्पेक्स करेक्शन पहना हुआ है या नहीं वो हमें मेंशन करना है. फिर कैपिटल लेटर्स में सी एन एफ, काउंटिंग फिंगर एट 2 मीटर, कि अगर पेशेंट और एग्जामिनर के बीच का जो गैप है, डिस्टेंस है, वो 2 मीटर है, यानी कि जो पेशेंट ने रिस्पॉन्स दिया था वो 2 मीटर पे दिया था, तो हमने ऐसे मेंशन करना है. या फिर अगर पेशेंट के बिल्कुल क्लोज टू फेस जाके, तो हमें मेंशन करना है कैपिटल लेटर्स में सी एफ सी एफ, जिसका मतलब है काउंटिंग फिंगर क्लोज टू फेस. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट. नाउ अभी नेक्स्ट कंडीशन है कि तब क्या करना है अगर पेशेंट क्लोज टू फेस जाके भी जो नंबर ऑफ फिंगर्स है उनको काउंट नहीं कर पा रहा है, कोई अप्रिसिएशन नहीं है उस टाइम पे, तब क्या करना है? एग्जामिनर ने पेशेंट से 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेंटेन करके जो हैंड है उसको वेव करना है, सिंपली कि हैंड हिलाना है पेशेंट के आगे, और उससे पूछना है कि क्या पेशेंट को हिलता हुआ जो हाथ है वो दिखाई दे रहा है, पेशेंट उसको अप्रिशिएट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा. सो अगर पेशेंट बोलता है कि यस, हाँ पेशेंट को वो हाथ हिलता हुआ वेव करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमने विजुअल एक्यूटी नोट करनी है ऐसे कैपिटल लेटर्स में एच एम, डिस्टेंस की कितनी दूर पे हाथ को एग्जामिनर ने पेशेंट से रखा है. सो एच एम स्टैंड फॉर हैंड मूवमेंट. अब देखते हैं नेक्स्ट. सो अभी नेक्स्ट है कि इफ पर्सन कैन नॉट सी हैंड मूवमेंट, कि तब हमें क्या करना है, जो पेशेंट है हमारा वो हैंड मूवमेंट को भी अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा है, पेशेंट को हैंड मूवमेंट भी नहीं दिखाई दिया. सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, अभी हमने एक टॉर्च लाइट लेनी है, वो पेशेंट की आई पे फ्लैश करना है, और हमें ये पूछना है पेशेंट से कि वो लाइट पेशेंट को दिखाई दी या नहीं दी. अब वो लाइट हमें कैसे भी करके फ्लैश नहीं करनी है, हमें जो लाइट है वो हर क्वाड्रेंट से फ्लैश करनी है, सुपीरियरली, इंफीरियरली, नेजली एंड टेम्पोरली. सो अगर पेशेंट बोलता है कि हाँ उसे लाइट जो है रोशनी कहीं से आंख में आते हुए मालूम पड़ रही है, तो आपको लिखना है एल पी या फिर पी एल पॉजिटिव. एल पी इज लाइट परसेप्शन और पी एल इज परसेप्शन ऑफ लाइट पॉजिटिव, कि हाँ दिखाई दिया. अगर पेशेंट बोल देता है कि नहीं दिखाई दिया, तो एन एल पी नो लाइट परसेप्शन या फिर पी एल नेगेटिव, कि कोई लाइट परसेप्शन नहीं है, पेशेंट को लाइट नहीं दिखाई दी. अगर पेशेंट बोल रहा है कि दिखाई दी, तो फिर आपने एक और स्टेप करना है आगे, प्रोजेक्शन ऑफ रेज, क्योंकि लाइट दिखाई दी खाली वो जो इंफॉर्मेशन है वो इनफ नहीं है. नेक्स्ट हमने करना है प्रोजेक्शन ऑफ रेज. उसमें क्या करना है, हमने हर क्वाड्रेंट से जो हम लाइट फ्लैश कर रहे हैं, हमने हर क्वाड्रेंट के लिए रिजल्ट नोट करना है, हर क्वाड्रेंट के लिए जो रिजल्ट है वो डॉक्यूमेंट करना है कि किस क्वाड्रेंट में दिखाई दिया और किस में नहीं दिखाई दिया. उसके लिए क्या करना है, आपने पहले क्रॉस बना लेना है, फिर आप जैसे सुपीरियरली लाइट फ्लैश कर रहे हो, फिर पेशेंट से पूछना है कि क्या उसको कहीं से लाइट आते हुए मालूम दिख रही है, तो अगर पेशेंट बोलता है कि हाँ ऊपर से दिख रही है आते हुए, तो आपने लोअर क्वाड्रेंट में मेंशन कर देना है पॉजिटिव, कि हाँ दिखाई दी. उसके बाद आपने नेजली लाइट फ्लैश की आप कहीं से भी कर सकते हो, टेम्पोरली भी कर सकते हो, इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप सिर्फ सुपीरियरली करो फिर नेजली करो. फॉर एग्जाम्पल हमने फिर नेजली किया, फिर पेशेंट का रिस्पॉन्स है कि नहीं अब मुझे लाइट नहीं दिखाई दे रही कहीं से भी आते हुए, तो आपने क्या करना है कि इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव मेंशन कर देना है कि यहाँ नहीं दिखाई दी. उसके बाद आप क्या कर रहे हो, इन्फीरियरली आपने लाइट फ्लैश किया, फिर पेशेंट के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग आपने रिजल्ट मेंशन कर देना है, अगर पेशेंट ने बोला यस तो पॉजिटिव, फिर लास्ट टेम्पोरली और जो भी आएगा रिजल्ट कि प्लस. सो जिसमें पेशेंट बोलेगा कि हाँ मुझे दिखाई दे रहा है प्लस, जिसमें नहीं दिखाई दे रहा माइनस. सो वॉट इफ द पर्सन हैज नॉट लर्न टू रीड, कि आपके पास जो पेशेंट आया है उसको पढ़ना नहीं आता है, उसको नंबर्स भी रीड करने नहीं आते हैं, तो आपने क्या करना है? उस कंडीशन में आप यूज करोगे टम्बलिंग ई या फिर लैंड डॉट सी चार्ट. इसमें आप कैसे विजुअल एक्यूटी मेजर करते हैं, इसमें हम पेशेंट से पूछते हैं ई जो है हमारा लेटर उसके ओपन आर्म्स किस डायरेक्शन में है, और सेम लैंड डॉट सी के साथ कि ओपन एंड किस तरफ है. अब वो पेशेंट कैसे बता सकता है, या तो पेशेंट
जो ओपन आर्म है ई का, उसकी तरफ अपने हाथ से इशारा करके बता सकता है जैसे इस पिक्चर में है, या फिर मुंह से बोल के बता सकता है पेशेंट अप डाउन लेफ्ट राइट। सो अभी है विजुअल एक्यूटी मेजरमेंट विद लॉगमार चार्ट। सो अब देखते हैं कि लॉगमार चार्ट के साथ विजुअल एक्यूटी कैसे मेजर करते हैं। सो सबसे पहले हमने एग्जामिनर और पेशेंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम कर देना है, क्योंकि वो इसमें 4 मीटर होता है, मतलब लॉगमार जो चार्ट है वो 4 मीटर डिस्टेंस के लिए कैलिब्रेटेड है, जबकि स्नेलेंस जो है वो 6 मीटर्स के लिए है। सेकेंड स्टेप हमने जो हमने पहले किए वही हमने रिपीट करने हैं कि पेशेंट को कंफर्टेबली बिठाना है, एक आई ओक्लूड करना है और पेशेंट को बोलना है कि टॉप लेटर से लेके आप पढ़ते जाओ जब तक आपको दिखाई दे रहा है। जब पेशेंट बोल दे कि नहीं अब नहीं दिखाई दे रहा, पेशेंट गिव अप कर दे, तो आपने पेशेंट को एनकरेज करना है कि नहीं पढ़ो दिखाई देगा। लेकिन जब एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने के बाद भी पेशेंट नहीं पढ़ पा रहा है तो आपने उस टाइम रुक जाना है, रोक देना है पेशेंट को, और जो भी विजुअल एक्यूटी उस टाइम होगी उसको नोट करना है। सो वो अब कैसे करते हैं वो देखते हैं। सो ये हमारा लॉगमार चार्ट है। डिफरेंस क्यों है स्नेलेंस और लॉगमार चार्ट में विजुअल एक्यूटी मेजर करने में और डॉक्यूमेंट करने में, क्योंकि लॉगमार चार्ट में हर लेटर अपना एक लॉग यूनिट कंट्रीब्यूट करता है, वो है 0.02 लॉग यूनिट। सो अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि कैसे नोट करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल तो हम यही लेंगे कि अगर जो पेशेंट है वो पूरी लाइन पढ़ लेता है, पेशेंट ने ये लाइन फुल रीड कर ली बिन एक भी लेटर मिस आउट किए, तो हमने सिंपली क्या करना है, जो भी लेटर चार्ट के साइड पे उस लाइन के साइड पे चार्ट पे लॉग यूनिट मेंशन है वो हमने सिंपल लिख देनी है कि ये पेशेंट की विजुअल एक्यूटी है। सो अभी सेकेंड एग्जाम्पल हमने देखना है कि अगर पेशेंट जो है वो एक लाइन में 4 लेटर्स को रीड कर लिया एंड 1 मिस आउट किया है, तो उस कंडीशन में ये जो भी उस असाइंड होगी उस लाइन के लिए लॉग यूनिट, उसमें हमने जो लेटर मिस किया है उसकी लॉग यूनिट को ऐड कर देना है। सो 1 लेटर कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है, 0.02 लॉग यूनिट। सो हमने तो विजुअल एक्यूटी क्या होगी इस लाइन के लिए, विजुअल एक्यूटी इस लाइन के लिए होगी 0.3 जो इस लाइन के लिए असाइंड लॉग यूनिट है, प्लस एक लेटर मिस किया है तो ऐड 0.02 लॉग यूनिट उस पेशेंट के लिए विजुअल एक्यूटी होगी जो एक लाइन में 4 लेटर्स रीड कर रहा है। सो एग्जाम्पल नंबर 3 कि जब पेशेंट एक लाइन में 3 लेटर्स रीड कर रहा है तब क्या करना है। हमने सेम जैसे हमने पहले किया कि जो भी लॉग यूनिट इस लाइन के लिए असाइंड है प्लस जितने लेटर मिस किए उनके लॉग यूनिट्स को प्लस कर देना है। सो एक लेटर कितना कंट्रीब्यूट करता है, 0.02। सो यहाँ पे 2 लेटर्स मिस किए हैं तो हमने 0.02 प्लस 0.02 करना है। सो विजुअल एक्यूटी क्या होगी, ठीक है, विजुअल एक्यूटी होगी 0.3 प्लस 2 टाइम्स 0.02, क्योंकि 2 लेटर मिस किए हैं, 2 लेटर रीड नहीं किए। सो ये रहेगी विजुअल एक्यूटी अगर जो पेशेंट है वो लॉगमार चार्ट पे 3 लेटर्स रीड करता है और 2 मिस आउट किए हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कि वॉट इफ पेशेंट अनेबल टू रीड एट 4 मीटर, कि पेशेंट अगर जो चार्ट है उस पे 4 मीटर्स पे जो सबसे लार्जेस्ट लेटर है वो भी रीड नहीं कर पा रहा, जैसे हमने स्नेलेंस चार्ट में देखा था, लेकिन उसमें हम जो डिस्टेंस है वो कैसे कम कर रहे थे, 1 1 मीटर करके, लेकिन लॉगमार चार्ट में हमें जो डिस्टेंस है वो हमें हाफ करना होता है। सो अगर 4 मीटर है तो हम पहले 2 मीटर करेंगे और फिर 1 मीटर करेंगे, और एवरी टाइम जब हम डिस्टेंस को हाफ करते हैं तो हम जो लॉगमार यूनिट होती है उस लाइन के लिए असाइन जो पेशेंट ने रीड की है उसमें हम 0.3 ऐड करते हैं एवरी टाइम द डिस्टेंस इज हाफ। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको। सो एग्जाम्पल के लिए समझेंगे कि पेशेंट ने ये लाइन रीड किया है 2 मीटर डिस्टेंस पे 4 लेटर्स रीड किए हैं। सो अब इसे हम कैसे डॉक्यूमेंट करेंगे, इस लाइन के लिए कितना लॉग यूनिट असाइंड है, 0.3 प्लस, क्योंकि हमने ये 2 मीटर डिस्टेंस पे पेशेंट रीड कर रहा है। सो 2 मीटर के लिए हमने 0.3 ऐड करना है। सो 0.3 प्लस 0.3 प्लस एक लेटर मिस किया है पेशेंट ने तो प्लस 0.02। सो ये होगी हमारी फाइनल विजुअल एक्यूटी, 0.3 प्लस 0.3
एंड प्लस 0.02। अब कौन सा नंबर किसको, ये तो हो गया चार्ट उस लाइन के लिए असाइंड नंबर। लॉग यूनिट ये क्योंकि हाफ ऑफ 4 मीटर किया है, ये क्योंकि एक लेटर पेशेंट ने मिस किया है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस टाइम जो हमारा पेशेंट है उसने 2 लेटर्स रीड किए हैं एट 1 मीटर डिस्टेंस, कि हमने अभी और एक बार हाफ कर दिया है डिस्टेंस को। सो अब हम इसे कैसे डॉक्यूमेंट करेंगे। इस लाइन के लिए जो असाइंड विजुअल एक्यूटी है वो कितनी है, 0.2। तो हमने कैसे नोट करना है, 0.2 प्लस, क्योंकि हमें डिस्टेंस 2 बार हाफ किया है तो 0.3 प्लस 0.3। 0.3 को हमने क्या करना है, 2 बार करना है। एक बार लिखा क्योंकि हमने 4 मीटर से हाफ किया 2 मीटर पे, फिर प्लस 0.3 क्योंकि अब हमने 2 मीटर से भी हाफ किया 1 मीटर। 0.06 क्योंकि 3 लेटर्स जो पेशेंट ने मिस आउट किए हैं, हर लेटर के लिए 0.02 प्लस 0.02 प्लस 0.02, सो 0.06 लॉग यूनिट। सो ये रहेगी विजुअल एक्यूटी उस पेशेंट के लिए जिसने 1 मीटर के डिस्टेंस पे इस लाइन में ओनली 2 लेटर्स रीड किए हैं। सो ऐसे हम लॉगमार चार्ट के साथ विजुअल एक्यूटी डॉक्यूमेंट करते हैं। सो अब देखते हैं मेजरिंग नियर विजुअल एक्यूटी, कि नियर की विजुअल एक्यूटी मेजर करते हैं वो कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने पेशेंट को कंफर्टेबली बैठाना है चेयर के ऊपर, फिर नेक्स्ट आपको इंश्योर करना है कि जो बुक आपने पेशेंट के हाथ में दी है उस पर प्रॉपरली जो लाइट है वो प्रॉपरली हो, प्लस अगर इल्यूमिनेटेड नियर चार्ट लिया है तो वो प्रॉपरली इल्यूमिनेटेड हो। थर्ड, कि ओल्डर पीपल मे हैव स्पेक्टिकल्स फॉर नियर विजन, ये हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि जब हम एडेड विजुअल एक्यूटी नोट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो हमने ध्यान रखना है कि जब हम नियर का विजन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पेशेंट ने उसके नियर स्पेक्टिकल्स पहने हो, तो हमने उनको नियर स्पेक्टिकल्स पहना के विजुअल एक्यूटी रिकॉर्ड करनी है। फिर हमने पेशेंट को बोलना है कि नियर विजन चार्ट को होल्ड करना है 25 to 40 centimeters के बीच में। सो ये हम नियर विजन के लिए डिस्टेंस कॉमनली और जनरली कंसीडर करते हैं। प्लस ये तो आपने बोलना ही है कि इतने पे करके डॉक्यूमेंट करना है, प्लस आपको पेशेंट को ये भी बोलना है कि पेशेंट नॉर्मली खुद के लिए कितना नियर डिस्टेंस यूज करता है रीडिंग राइटिंग के लिए, या कोई भी पास के काम के लिए पेशेंट का जो नियर डिस्टेंस है वो कितना है। ये तो आपने कर दिया, लेकिन पेशेंट का भी तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट, फिर आपने पेशेंट को सेम जैसे हम डिस्टेंस के लिए कर रहे थे कि टॉप लेटर से लेके स्मॉलेस्ट नंबर तक रीड करना है, जब पेशेंट पढ़ना बंद कर दे तो पेशेंट को एनकरेज करना है कि आप ट्राई करो, आप पढ़ सकते हो। फिर जो भी पेशेंट जिस लाइन पे आके रुकेगा उस पेशेंट के लिए जो भी असाइंड विजुअल एक्यूटी नोटेशन होगी, नंबर होगा, वो आपने नोट कर लेना है फाइनली नियर विजुअल एक्यूटी करके, सेम सारे डिटेल्स के साथ कि राइट आई, लेफ्ट आई, बायनोकुलर, एडेड, अनएडेड, सारे डिटेल्स आपको उसमें नोट करने हैं। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है विजुअल एक्यूटी मेजरमेंट फॉर डिस्टेंस नियर विद स्नेलेंस चार्ट विद लॉगमार चार्ट, सारे डिटेल्स के साथ कि अगर पेशेंट चार्ट नहीं रीड कर पा रहा तो आपने क्या करना है, और चार्ट पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ कि अगर एक लाइन रीड कर पा रहा है, एक लाइन में कितने लेटर मिस कर रहा है। स्टिल अगर किसी का कोई डाउट है, आस्क मी इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।